बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आप सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। वीवर, आज मैं आपसे एक ऐसी जगह की वीडियो शेयर कर रही हूँ जो हम सब का आखिरी ठिकाना है, हम सब ने इधर ही जाना है। तो मैं कब्रिस्तान मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि कब्रिस्तान की वीडियो मैं आपसे शेयर करूं, ग्रेवयार्ड की। तो ये मैं अभी आपसे शेयर करती हूं। ये हमारे घर का पास ही कब्रिस्तान है। हमारी फैमिली में जितने भी फोत हुए हमारे रिश्तेदार और हमारी फैमिली के सारे, उन सब की कब्रें इसी कब्रिस्तान में हैं। तो हम जाते रहे हैं इस कब्रिस्तान में। तो हर इंसान को, मतलब मुसलमान को, कब्रिस्तान में जाना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए कि उनके दिमाग में थोड़ा अगले जान का डर पैदा हो कि ये देखें हमने इधर ही आना है, इधर ही रहना है। अभी तो हम सब सफ़र में हैं, तो क्या पता ज़िंदगी की शाम कब हो जाए। तो आखिरी ठिकाना तो यही है, तो सब ने इधर ही आना है। तो कभी कभी यहाँ जाकर बैठना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे वीडियो में इतना जो है ना वो खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, पर वैसे अगर खुद जाए ना उधर कब्रिस्तान में तो देखें ये बहुत प्यारा लग रहा है। हर कब्र पर जो है ना, ज़्यादातर कब्रों पर जो है ना फूल लगाए हुए हैं सब ने। कुछ जो पुरानी है ना उन पर नहीं फूल लगे हुए, पर जो नई ज़्यादातर है ना उन पर ज़्यादातर लगे हुए हैं फूल। तो दिल करता है कि उधर जाकर बैठें, इतना मतलब जो है ना खूबसूरत कब्रिस्तान है ये। कब्रिस्तान वालों ने उधर जो है ना, मतलब एक बंदा है जो पूरे कब्रिस्तान की लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है। कब्रिस्तान की देखभाल भी करता है और कलमा भी, जब जाए ना तो उसको बोलेंगे हमें कलमा सुनाओ, तो वो कलमा भी बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। ये साइड कब्रिस्तान की पुरानी है, साथ में मस्जिद भी है। वैसे हर आदमी को इस घर के बारे में सोचना चाहिए कि हमने यहाँ जाना है। तो ये 2 गज़ कमरा, बस यही हम सब का आखिरी ठिकाना है। तो हम सब को अपने अमाल अच्छे करने चाहिए, तो फिर ये कब्र जो है ना ये भी जन्नत का बाग बन सकती है। सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप सबको, मुझे, हम सब को अपना अखलाक अच्छा करना चाहिए, अपने अमाल अच्छे करने चाहिए हम सब को, और इस्लाम के पूरे फ़र्ज़ करने चाहिए, तो ये कब्र जन्नत का बाग बन सकती है। तो प्लीज़ मैं भी, हम सब कोशिश करें कि हम सब अपने माल जो है ना वो अच्छे करें और इखलाक पैदा करें, तो अपने फ़र्ज़ पूरे करें, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरी दुआ है कि हम सब जो है ना इस पर अमल करें इंशाल्लाह। तो वीवर, आगे जो है ना वो कलमा पड़ेगा वो लड़का, तो आप सुनना। तो ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद सरवर सल्ले अला मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह। ओ इस कलमे दे ओ राज ने आरे नी, इस कलमे दे ओ राज ने आरे नी, जिस
डुबदे ओए बेड़े तारे नी सानों दसिया मदीने वाले नी पढ़ोला या मोहम्मद सरवर सल्ले आला या मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह कबर मेरी जे पंजनी हो हलगत गला कर